नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजेंद्र राजपूत। आप देख रहे हैं बीबीएम न्यूज। स्वागत है आपका एनसीआर टाइम्स में। रुक करेंगे फरीदाबाद और पलवल की तमाम खबरों की ओर। भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री किशनपाल गुर्जर ने फरीदाबाद के सेक्टर 9 भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें मंत्री ने भाजपा शासनकाल की उपलब्धियों का बखान किया। मंत्री ने किसान, गरीब वर्ग सहित देश के तमाम विकास के मुद्दों पर जानकारी दी। फरीदाबाद विपक्ष पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि मोदी को रोकने के लिए कूड़ा कचरा इकट्ठा होकर महागठबंधन कर रहे हैं, जिनकी सकल सूरत भी नहीं मिलती है। वहीं किसान आंदोलन पर कहा कि आंदोलन में किसान कम, विपक्ष ज्यादा है। षड्यंत्र के तहत किसानों के आंदोलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, मंत्री गुज्जर ने पूर्व सरकार पर ग्रेटर फरीदाबाद के हजारों करोड़ रुपए को लेकर बहादुरगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों में लगाने का आरोप लगाया है। जीत और हिसार में सैकड़ों दलितों ने बुद्ध धर्म अपनाने के सवाल पर मंत्री गुज्जर ने कहा कि सरकार ने दलितों के लिए अनेकों सुविधाएं दी हैं। अगर अभी भी दलित नाराज है तो उन्हें मनाया जाएगा, हिंदू धर्म को छोड़कर नहीं जाने देंगे। देखिए, मोदी जी की सरकार को 26 मई को 4 साल सफलता के पूरे हुए। इन 4 सालों में मोदी जी की सरकार ने गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए और नौजवान के लिए जो काम किए वो अभूतपूर्व काम है। गरीबों के लिए भी देश आर्थिक तौर पे मजबूत हुआ है। देश की रेटिंग लगातार, जो रेटिंग कंपनियां हैं देश को अच्छी रेटिंग दे रही हैं। आर्थिक विकास दर 7.7 पहुंच गई है। गरीब के लिए चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, चाहे उनके इलाजों के लिए आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे उनके लिए मुद्रा योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, ये सारी योजनाएं, किसानों के लिए यूरिया डीएपी की बात हो, फसल खराबे के लिए मुआवजे में बढ़ोतरी हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, इसी तरह नौजवानों के लिए मुद्रा योजना से 13 करोड़ से अधिक लोगों को जनधन खातों की बात हो, बांग्लादेश की सीमा के विवाद को समाप्त करने की बात हो, नेशनल हाईवे 12 किलोमीटर से जो यूपीए के राज में उसको बढ़ाकर 27 किलोमीटर करने की बात हो, मतलब हर क्षेत्र में, चाहे ईपीजी हो, ईपीए हो, चाहे केएमपी हो, मतलब हर तरफ, चारों तरफ विकास का काम है। देश और दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। देश को निराशा के, अविश्वास के माहौल से निकालने का काम किया है। देश आर्थिक तौर पर आगे बढ़ रहा है। देश में भ्रष्टाचार मुक्त एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी सरकार आदरणीय मोदी जी ने दी है। मतलब देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है, देश का विकास भी हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पहले भी एजेंडा विकास था और आगे भी एजेंडा विकास होगा। मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इसको लेकर आपने कहा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो रहा है। देखिए, मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर सारे देश का जो विरोधी पक्ष है वो महागठबंधन की बात कर रहा है और मैं उसको महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन कहता हूँ। देश का सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा होके मोदी जी को, सिर्फ मोदी जी को हटाओ देश कहीं चला जाए, इस बात में लगा हुआ है। कांग्रेस पतन की तरफ जा रही है, अधिकतर प्रदेशों से बाहर हो गई है, सिर्फ मोदी को हटाने के लिए खुद मिट जाने को तैयार है। हर प्रदेश में तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर की पार्टी बन गई है। सिर्फ उनका एक ही ध्येय, मोदी को हटाओ चाहे हम खत्म हो जाएं। ये देश हित के लिए ठीक नहीं है। देश मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहा है, सांस्कृतिक तौर पर मजबूत हो रहा है, तो इसलिए इस देश का मतदाता बहुत जागरूक है। वो अच्छी तरह जानता है कि इस देश में एक टिकाऊ, एक मजबूत सरकार सिर्फ मोदी जी दे सकते हैं। ये भानुमती का कुनबा ठगबंधन की सरकार बनाकर ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये लोग फिर से 4 साल वाला भारत, जहाँ भ्रष्टाचार था, घोटाले थे, संवैधानिक संस्थाओं पर हमले थे, जहाँ मंत्री जेल में जा रहे थे, फिर ये वही भारत की तरफ हिंदुस्तान को ले जाना चाहते हैं। लेकिन देश के जागरूक मतदाता कभी उस काले काल में इस देश को नहीं जाने देंगे। मोदी जी के नेतृत्व पर पूरा इस देश को विश्वास है। वो मोदी जी के नेतृत्व में एक अटल, मजबूत
सरकार देख रहे हैं, इसलिए आगे भी मोदी जी को देश के लोग मौका देंगे, फिर से देश में एक मजबूत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी और देश को विकास के मार्ग पर आगे लगातार बढ़ाएगी। मंत्री जी, सरकार किसानों के नाम से आई है, किसान ही आंदोलन पर चल रहे हैं, देखिए कैसे रोकेंगे? किसान ये आंदोलन विपक्षी दलों का बौखलाट है। आप देख रहे हैं किसान कितनी संख्या में आ रहे हैं, ये सब कांग्रेस और विपक्षी दलों के बहकावे में आकर मोदी जी की सरकार की लोकप्रियता से घटकर किसानों के लिए जो ऐतिहासिक काम हमारी केंद्र की और बीजेपी की राज्य की सरकारों ने किया है, इसना कभी किसी ने नहीं किया। इसलिए मैं समझता हूँ इस देश का किसान संतुष्ट है, उसका मोदी जी की सरकार में विश्वास है और मोदी जी किसानों के लिए, चाहे गन्ना किसान हो चाहे दूसरा किसान हो, उसके भले में निरंतर लगे रहते हैं। थैंक यू।